हाय गाइज, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जब शरीर में कमजोरी आने लगती है, थकान महसूस होने लगता है, शरीर दर्द करने लगता है, भूख नहीं लगती या हेयर फॉल की समस्या होने लगती है, तो वहाँ पे कौन से मल्टीविटामिन कैप्सूल और टेबलेट सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, उन्हीं के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसमें अगर हम बात करें, क्योंकि जितने भी मल्टीविटामिन टेबलेट और कैप्सूल यहाँ पे आप देख रहे हैं, वो सारे के सारे आपको इजी रूप से किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। तो हम इसमें सबसे पहले जो मल्टीविटामिन कैप्सूल या टेबलेट की बात करें, तो वो है बीकाडेक्सामीन कैप्सूल। ऐसा कैप्सूल है जो कि मल्टीविटामिन है और मल्टीमिनरल भी है, क्योंकि इसमें पाया जाता है, अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें, तो विटामिन B1 ई पाया जाता है, डी विटामिन, विटामिन ए, विटामिन B2 B6, फोलिक एसिड, विटामिन B12, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक सल्फेट रहता है, कॉपर सल्फेट रहता है, कैल्शियम सल्फेट रहते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। अगर इसकी हम प्राइस की बात करें, तो इसका जो प्राइस रेंज है वो 29 से 31 रुपीज का है, यानी आपको इतने रुपये में ये उपलब्ध हो जाएगा। काफ़ी सस्ती प्राइस की है और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। मल्टीविटामिन कैप्सूल किस किस में यूज़ की जाती है, तो वीकनेस, शरीर में अगर कमजोरी आ गई हो तो वहाँ पे यूज की जाती है। विटामिन की अगर डिफिशियंसी हो गई हो, यानी विटामिन की अगर कमी हो गई हो शरीर में, तो वहाँ पे यूज की जाएगी। आयरन यानी खून की कमी हो तो वहाँ पे भी यूज की जाती है। हेयर फॉल की समस्या, क्या होता है जब विटामिन की डिफिशियंसी होने लगती है शरीर में, तो क्या होता है, हेयर फॉल प्रॉब्लम आने लगता है, यानी बाल जो है वो झड़ने लगते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर यानी ये प्रतिरक्षा तंत्र को भी मजबूत करता है। ट्रीट मसल क्रैम्प्स, अगर मसल में खिंचाव आ गया हो तो उसके भी ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। अगर इसके हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें, तो हर एक ड्रग्स का अपना अपना साइड इफ़ेक्ट होता है। तो इसमें जो कॉमनली साइड इफ़ेक्ट है वो है हेडेक, शरीर दर्द हो सकता है। अगर और बात करें तो जो यूरिन का कलर है वो येलो हो सकता है। हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो सकता है। नेक्स्ट कैप्सूल की अगर बात करें, तो वो टेबलेट है जिंकोविट टेबलेट। ऐसा टेबलेट है जो कि जिसमें पाया जाता है मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल, मतलब इसमें भी कई सारे विटामिन पाए जाते हैं और मिनरल पाए जाते हैं। जिंकोविट टेबलेट जो है वो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है इंक्रीज एपेटाइट यानी भूख को बढ़ाने में, विटामिन की डिफिशेंसी यानी शरीर में किसी भी विटामिन की कमी हो गई हो, वीकनेस यानी शरीर में अगर कमजोरी महसूस हो रही हो तब भी उसका यूज किया जाता है। हेयर फॉल प्रॉब्लम में यूज किया जाता है। स्ट्रांग बोन यानी जो इसमें मिनरल होते हैं यानी जो कैल्शियम होता है वो भी मदद करता है बोन को मजबूती देने में। वेट इंक्रीज, शरीर के भार को बढ़ाने में जिंकोविट टैबलेट यूज किया जाता है। ओन हीलिंग यानी कहीं पे घाव हो गया हो या कहीं पे इंजरी हो गई हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, तो उसके ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। स्किन शाइन यानी त्वचा को चमकदार बनाने के लिए भी जिंकोविट टेबलेट का यूज काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। अगर इसकी हम प्राइस की बात करें, तो इसकी जो प्राइस रेंज है वो लगभग आपको मिल जाएगी 94 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। और इसमें लगभग 15 टेबलेट रहते हैं। इसको हमेशा खाना खाने के बाद ही लिया जाना चाहिए, तो अच्छा काम करता है। अगर खाना खाने के बाद लेते हैं तो इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है। अगर इसमें साइड इफ़ेक्ट की बात करें, तो इसमें जो मेनली साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला है वो नींद का ना आना, वीकनेस महसूस होना, शरीर में खुजली महसूस होना, खांसी आना, डायरिया हो जाना यानी दस्त आना, कब्ज बन जाना, जो पेट है वो सूजाना या फूलाना, ऐसी ही कुछ साइड इफ़ेक्ट इस टेबलेट को देखने को मिली है। अगर नेक्स्ट टेबलेट की बात करें, तो है मैक्सी रिच कैप्सूल। तो मैक्सीरिच कैप्सूल जो है ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल कैप्सूल मानी जाती है, क्योंकि इसका इस समय बहुत ही एडवर्टाइज हो रहा है चैनलों पे, टीवी पे, अखबारों में आप लोगों ने देखा होगा मैक्सीरिच के बारे में। तो मैक्सीरिच जो होता है ये मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल, एंटी ऑक्सीडेंट ये सारी प्रॉपर्टी रखता है। ये भी पूरी तरह से यूज़ किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड भी है इसका, सिप्ला कंपनी का। अगर बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस रेंज है वो 100 टू
120, 120 रुपये यानी 100 से लेकर 120 रुपये में आपको मिल जाएगी। ये बहुत अच्छी मल्टीविटामिन टेबलेट कैप्सूल है, जो कि इसमें अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें भी सारे मल्टीविटामिन और मल्टीमिनरल प्रॉपर्टी देखी गई है। इसमें जो मैक्सिमम बात करें तो इसमें विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी 12, विटामिन बी 6 और फोलिक एसिड है। अगर इसकी यूज़ की बात करें तो यूज की जाती है इम्यूनिटी बूस्टर, यानी जो मानव प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको बूस्ट करने में, बीमारियों से लड़ने में। इम्प्रूव स्किन, यानी जो स्किन है उसको इम्प्रूव करती है। इम्प्रूव हेयर, अगर हेयर फॉल की समस्या है या सफ़ेद बाल हो रहे हैं तो उसको बचाती है। बोन प्रॉब्लम, अगर हड्डियों में कोई भी प्रॉब्लम है, यानी जब हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। वेट लॉस, अगर किसी का वेट लॉस हो रहा हो तो उसमें भी इस कैप्सूल का काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। आयरन डिफिशियंसी, यानी अगर किसी में खून की कमी है तब भी ये टेबलेट काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है। अगर इसकी साइड इफेक्ट की बात करें तो इसका साइड इफेक्ट भी एक तरह से, क्योंकि साइड इफेक्ट सबके अलग अलग हैं, बस क्या है कि थोड़ा सिमिलरिटी रहती है। तो इसमें अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो डायरिया, दस्त, कब्ज, उसके बाद वोमिटिंग यानी मतली उतली भी आने लगती है, और पॉलीडिस्पिया जिसको बोला जाता है ज़्यादा प्यास लगना, यानी इसमें क्या होती है, इसके जो मेनली साइड इफेक्ट है यही सारे साइड इफेक्ट हैं। नेक्स्ट की बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट कैप्सूल सॉरी टेबलेट A2Z NH टेबलेट है, A2Z NH टेबलेट, इसमें मल्टी विटामिन भी है, मल्टी मिनरल भी है, एंटीऑक्सीडेंट है, मिथाइल कोबलामीन भी है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है और आपको सस्ते प्राइस में भी मिल जाता है। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो लगभग आपको मिल जाएगी 77 रुपीज़ में, यानी 77 रुपीज़ 77 रुपये में आपको मिल जाएगी, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये यूज किया जाता है एनीमिया के केस में, यानी जब खून की कमी हो जाती है, प्रेगनेंसी प्रॉब्लम यानी प्रेगनेंसी अगर कंज्यूम कर ली है तो वहाँ पे भी यूज की जाती है। व्हाइट हेयर, यानी अगर किसी के बाल जो है वो सफ़ेद हो चुके हैं तो वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अगर किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम रहती है तो वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है। वेट लॉस, अगर किसी के शरीर का भार कम हो रहा हो तो वहाँ पे इसका यूज किया जाएगा। आयरन डिफिशियंसी, यानी किसी में खून की कमी हो तब भी दिया जाता है। हाई बीपी केस में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, अगर इसके हम वर्क की बात करें तो ये नार्मोलास्टिक जो नैरो का जो नार्मोलास्टिक नैरो होता है उसमें उत्पादन करने के लिए मेगलोब्लास्टिक बोन नैरो पर काम करती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है क्योंकि इसमें सारी प्रॉपर्टी पाई जाती है। मल्टी विटामिन होते हुए मल्टी मिनरल कंपोजिशन रखता है, एंटीऑक्सीडेंट कंपोजिशन रखता है, मिथाइल कोबलामिन का भी कंपोजिशन रखता है। अगर इसमें अगर इसके हम साइड इफेक्ट देखें तो इसके साइड इफेक्ट नोजिया हुआ, डायरिया हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुआ, ये कॉमनली साइड इफेक्ट इसमें पाए गए हैं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।